जैसे 8 फरवरी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान भी अपनी चोटी पर पहुंचते जा रहा है। दिल्ली चुनाव की मुख्य आकर्षण में रहने वाली पार्टियां जोरों शोरों से दिल्ली की जनता का दिल जीतने की पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है और इन्हीं प्रचारों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का भी सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 फरवरी को दिल्ली भर में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख कार्यकर्ता दिल्ली के 13,570 बूथों पर घर घर जाकर संपर्क करेंगे। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली कैंट विधानसभा में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आदर्श नगर विधानसभा में महासंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं दिल्ली से भाजपा के नेता मनोज तिवारी भी तिमरपुर विधानसभा में इस अभियान की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ भाजपा के अन्य नेता भी इस अभियान से जुड़ते रहेंगे चुनाव के दिनों तक। मनोज तिवारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं से भाजपा का कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अवगत करवाएगा। भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसकी विस्तृत जानकारी भी मतदाताओं को दी जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में पिछले 5 वर्षों से आम आदमी पार्टी की झूठ फरेब, विज्ञापन भ्रष्टाचार, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली सरकार चल रही है, ऐसा आरोप लगाया है। इसके साथ ही दिल्ली में पिछले 5 वर्षों से आम आदमी पार्टी की झूठ फरेब, विज्ञापन भ्रष्टाचार, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली सरकार चल रही है, ये आरोप लगाया है मनोज तिवारी ने। उनकी सभी नाकामियों के बारे में भी दिल्ली के मतदाताओं को इस अभियान के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। भाजपा इस आखिरी बाजी से दिल्ली की जनता का दिल जीतवाएंगे या नहीं, ये तो 11 फरवरी को ही खुलासा होगा। SPN 9 न्यूज़ से लता की रिपोर्ट।